वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर। दशम श्रेणी पिला मानकर विज्ञान बहीर जीव विज्ञान बहीर सप्तम अध्याय जार नाम हूँ वंशानुक्रम और विवर्तन। यह विषय अभ्यास प्रश्नोत्तर यह भिडियो मध्यम आम आलोचना करवा। तो भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को एवं ही सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन रे क्लिक कर दिंतु, जहाँफल प्रत्येक नुआ भिडर नोटिफिकेशन पाइबा सहित सहित रेगुलर क्लासेस रो नोटिफिकेशन पारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन चैनल मध्यम हो पारे। तो विलंब न करके प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनी आसतु आलोचना करवा। अभ्यास प्रश्न उत्तर कौन कही प्रथम अभ्यास प्रश्न दुई संकरण कौन, यहाद्वारा मेंडेल किपरी स्वाधीन अपव्यूहन नियम प्रतिपादन करते बुझाओ। सब तक पॉइंट आलोचना करें, तीन चार्टा पॉइंट आलोचना करी, बाकी तक स्क्रीनशॉट नेबे, नहले पूरा अभ्यास क्वेश्चन आंसर गोटे वीडियो रे सरी पारिबनी। प्रथम पॉइंट दुई जोड़ा विकल्पी गुण एक समय किपरी परवर्ती पीढ़ी गुड़िक संरक्षित होाणी मेंडेल दुई संकरण परीक्षण करते। प्रथम पॉइंट क्लियर अच्छी, मुन लास्ट को चित्र माध्यम रे जणाई देबी, बढ़िया से बुझी पारिबो। द्वितीय पॉइंट से गोल माने आर आर ओ हलदिया माने वाई वाई मंजी थिबा मटर गछ सहित कुंचित बा खदड़ा ओ सागुआ मंजी थिबा मटर गछर संकरण करी परवर्ती पीढ़ी पाई मंजी संग्रह कले। क्लियर अच्छे पर्यंत। नेक्स्ट पॉइंट पूर्वपरि मेंडेल पैतृक पीढ़ी रे शुद्ध पैतृक गछ नै संकरण करथिले। परवर्ती पॉइंट एफ वन पीढ़ी में उपजिता गछ गुड़िकर शंकर आर आर वाई वाई होते समस्त गछरे मंजी गोल और हलदिया होते जो थी मेंडेल प्रभावी गुण नियम पुनः प्रमाणित हो पारा। नेक्स्ट पॉइंट आपने स्क्रीनशॉट नेबे, बट मुझे चित्र माध्यम बुझे दौटे गोटे सेक्शन रखा जापटे गोटे सेक्शन रखा जा जो दुईट जाक नहीं कि सीए परीक्षा करिसेंती सही दुईट जाकर रिजल्ट आपण माने देखिबे। ई दुईट जाकर रिजल्ट कोठे आसीछि एठी, एटार एटार रिजल्ट कोठे आसीछि एठी, एटार एटार रिजल्ट कोठे आसीछि एठी। क्लियर हे पारलो ना, जो अनुसार जहाँ हेछि सेटा आपण मानकु देखा जिवो। एटा एटा कोठे आसीछि रिजल्ट एटा, एटार एटार एटा, तो जे कोनोसी जोटा को जोटा आपण माने नेबे सांगे सांगे आपण माने तहार रिजल्ट को पाई परिबे। क्लियर अछि, एही भलि से दुई संकरण परीक्षण करके रिजल्ट पाई परथिले। क्लियर अच्छी, एवं बाकी तक पॉइंट चार नंबर पॉइंट पर्यंत मुझे डिस्कसन करी, आपण मैंने नेक्स्ट पॉइंट टू स्क्रीनशॉट नहीं जातु। क्लियर अच्छी, नौ नंबर पॉइंट जाए स्क्रीनशॉट नेले तो दस नंबर पॉइंट को भी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। एवं परवर्ती प्रश्न को जीवा, प्रथम प्रश्न आम कौन आलोचना कले दुई संकरण प्रणालीटा बुझी तावर्त प्रश्न को जीवा। एक संकरण द्वारा मेंडेल किपरी और क्यों वंशानुक्रम नीति और नियम प्रणयन करते वर्णना कर। तो पॉइंट को जीवा, एक संकरण परीक्षण कर मेंडेल दुईट नीति और गोटे नियम उपस्थापन करते। कतोटी नीति दुईट नीति, कतोटी नियम गोटे, एगुड़िक एकक गुणनीति, प्रभावी गुणनीति एवं पृथककरण नियम। भलरे मन रख, दुईटा नियम बाहर कर दुईट नियम दुईट नीति बाहर करते, एकक गुणनीति प्रभावी गुणनीति गोटे नियम बाहर करते, सीटा हूँ पृथककरण नियम। तो एकक गुणनीति कौन, देखु यह नीति अनुजाई उद्भिद में विकसित होता प्रत्येक गुण गोटे लेखाएं कारक द्वारा नियंत्रित तो हुए। क्लियर अच्छी। द्वितीय पॉइंट यही कारक मैंने सर्वदा जोड़ा जोड़ा हो रही था, जमीक डेगा गेड़ा, डेगाटा को सी कैपिटाल एवं कैपिटाल टी नहीं, गेड़ाटा को स्मल टी नहीं। नेक्स्ट हलदिया कैपिटाल वाई कैपिटाल वाई, सागुआ स्मल वाई स्मल वाई। नेक्स्ट कहते प्रति जोड़े दुईट एक प्रकार किंबा दुईट विकल्प कारक रही था, अर्थ विभाजन समय तन्मधर गोटे प्रत्येक जुग्मक को जाए और जुग्मज गठन समय पुणी दुईट जुग्मकर कारक मिसी एक जोड़ा कारक होता है। ठीक से भली प्रभावी गुणनीतिटा स्क्रीनशॉट नियंतु एवं पृथककरण नियमटा स्क्रीनशॉट नहीं जातु, निजे खातारे लिखे थे दुई थर जब न बुझी पार्थ तीन थर बुझु आराम से, तीन थर पढ़ले आराम से बुझे हुए, अबुझा जिनस किसी ना टी खाली सीरीयस होने सीनसीयर हो पढ़े बुझे। तीन नंबर क्वेश्चन को चलतु, कौन कही डार्विन का तत्व बुझाओ। डार्विन का तत्व कौन कहे ना, 1859 ख्रीष्टाब्दी द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसिस नामक बहीरे लेखक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन दर्शाई थे जे जीवन संग्राम और प्राकृतिक उद्भरण प्रक्रिया द्वारा नूतन जातिर सृष्टि हो।
किए लिखी बहटी को चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हैला बहर नाम कौन द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज क्लीयर अच्छी 1859 ख्रीष्टाब्दे तीनोटी जगह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुचे। नेक्स्ट खाद्य बासस्थान उपयुक्त संगिनी पाई प्रत्येक जीव को कठिन संग्राम करने को पड़ी था यह जीवन संग्राम कहा जाए आवश्यकता पूरण करने मनुष्य संग्राम कै ये जिनस ही कहुच्छे। नेक्स्ट पॉइंट निज जाति मध्यरे बा अन्य जाति सह प्रकृति सह जीवन संग्राम रे जहार रणकौशल उन्नत से ही जीणी थाए अर्थात जो जीवन नूतन लक्षण नहीं परिवर्तनशील प्रकृति तथा परिवेश सह निजक खाप खुआई पारे से ही विजयी होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रकृति सह जे निजक खाप खुआई पारे प्रकृति ताकु आदरी निए अन्यथा पार्श्वरी दिए प्रकृति आदरवा अर्थ प्रकृति चयन करे। नेक्स्ट पॉइंट जो जीवनटी प्रकृति द्वारा बच्चा हो जीवन धारण करे से तार वंशवृद्धि करिथाय एहाकु डार्विन प्राकृतिक चयन ओ बा उद्भरण कहा जाए। बुझिपारिल डार्विन प्राकृतिक चयन बा उद्भरण क्या कहा जाए। एवं परवर्ती प्रश्न को जीवा 4 नंबर प्रश्न कौन कहे नूतन जीव सृष्टि संबंध में विभिन्न मतवाद लेख नूतन जीव सृष्टि संबंध में तो देख प्रथम पॉइंट ईश्वर सबु जीव सृष्टि करिछंती नक्षत्र लोकर उन्नत जीव माने पृथ्वी रे जीवन रोपण करिछंती धूम केतु संघात जरिया रे पृथ्वी पृष्ठ को जीवन रो मौलिक उपादान मान आसी। नेक्स्ट पॉइंट आलोचना करिबा जीव विज्ञानी माने विश्वास करंती जे एही पृथ्वी रे जीवन अजैविक पदार्थरु बा वस्तुरु सृष्टि होइछि। नेक्स्ट एही प्रसंग रे 1920 मसिया रे ए आई ओपारिन ओ जे बी एस हाल्डेन प्रथमे मतव्यक्त करिथिले। नेक्स्ट पर 1953 रे स्टानले मिलर ओ हारोल्ड यूरे परीक्षागारे एक अभिनव परीक्षण द्वारा प्रमाण कले जे मिथेन आमोनिया उज्जन जलबाष्पादिर संयोगरु केतक एमिनो एसिड उत्पन्न होइछि परे सामान्य परिवर्तन सम्मिश्रणरु काल्विन एडिनिन नामक न्यूक्लियोटाइड पाइबारे सफल हेले समयक्रमे एमिनो एसिड श्रृंखलरु तयारी होइछि प्रोटीन एवं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्रु श्रृंखलरु तयारी होइछि आरएनए एवं डीएनए। बुझेगा एमिनो एसिड श्रृंखलरु तयारी होइछि प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलरु तयारी होइछि आरएनए एवं डीएनए। नेक्स्ट एहिपरि परीक्षण सबुकु वस्तुर जीवन उद्भव सपक्ष में प्रमाण भाव ग्रहण करा समुद्र बक्ष में भासी उठिता प्रथम जीवकोशी अति सरल और निम्नमान क्रमे जटिल उच्चता उच्चमान रही आज आम देखु प्राणी और उद्भिद लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वर प्राणी व उद्भिद पी नुहंती समय क्रमे छोट बड़ परिवर्तन मध्य से माने सरल अवस्था आज जटिल उन्नत अवस्था पहुँची अच्छा। क्लीयर है पाने परवर्ती प्रश्न को जीवा 5 नंबर प्रश्न कौन कहे समजात और अनुरूपी अंग कहले कौन बुझा उदाहरण सह वर्णना कर कौन सी प्राणी को चिन्हिबा को हेले प्रथम तहार लता और गठन को विचार को निया जाए। यही परिप्रेक्षी में विभिन्न प्राणी मान लक्षण अध्ययन जना जाए जे विभिन्न भिन्न भिन्न गोष्ठी प्राणी मान अनेक सामंजस्य रही समजात अंग कौन स्तन्यपायी प्राणी मान बादुड़ीर डेणा बिराड़ीर पंछा सील और तिमी आदि जलचर प्राणी मानकर पहरिया व्यवहृत पक्ष घोड़ार गोढ़ मनीषर हाथ आदि अंगगुड़िकर कार्य भिन्न अटे। नेक्स्ट मात्र अंगगुड़िकर उद्भव गठन और हाड़ विन्यास और विकास क्रमर अनेक सामंजस्य लक्ष्य कराए उद्भिदर कखारु गछर आकर्षी और कागज फुल गछर कंटा भिन्न कार्य करते उद्भव एकापरि यह समस्त अंगर मौलिक गठन शैली सूक्ष्म गठन एवं भ्रूण विकास उद्भव तथा विकास क्रम समान अटे। यहीपर अंगगुड़ी समजात अंग कहुए खाली पढ़ले मन रही दुई तीन थर लेखिक प्राक्ट करूँ घोषी दिंतु परीक्षा प्रश्न आसूची आपण हेला करेंगे तो आपण मैंने दंड भोग आज जब मेहनत करेंगे गोटे दिन रिजल्ट बाहर से ही रिजल्ट दिन आपने बहुत खुशी हे तो मेहनत करने को पड़ा पे सब जिन गोटे थर में केवे भी मन रही अनुरूपी अंगटा को स्क्रीनशॉट नहीं जाओ है 6 नंबर प्रश्न को जीवा आधुनिक संश्लेषित तत्व कौन अटे आलोचना कर आधुनिक संश्लेषित तत्व देख आणविक जीव विज्ञानी बा आणविक जीव विज्ञान एवं वंशगति विज्ञान आदि विषय अग्रगति फल जीव विज्ञानी मैंने डार्विन को प्राकृतिक उद्भरण तत्व को एक नूतन रूप से उपस्थापन कले प्राकृतिक उद्भरण कौन पूर्व आलोचना कर सारी है यही नूतन तत्व को विवर्तन आधुनिक संश्लेषित तत्व बा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहा जाउछि विभिन्न धरणर प्राकृतिक
कारकर प्रभाव में जीन रे परिवर्तन नवोद्भावन देखा दिए। जीव मान क्रोमोजोम रे त्रुटि विच्युति और जीन पुनर्विन्यास जो परिवर्तन घटिथाय। एसब परिवर्तन को सामूहिक भाव विभेदायन कहा जाए। प्रकृति में यह ही परिवर्तन एक उत्स अटे। परवर्ती पॉइंट, प्रकृति मनोनीत जीव परिवर्तन परित लक्षण को वंशधर मान वंशानुक्रम मध्यम बढ़े दिए। जो जीव नूतन लक्षण नहीं प्रकृति द्वारा मनोनीत हो बंची रहे से जीवन संग्राम सफल हुए। उद्भरण व चयन आवश्यकता स्पष्ट हो जा। नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन प्रकृति मनोनीत नुआ नुआ लक्षण को भित्तिक नूतन जातिर उद्भवर धारा सृष्टि जा जीव निज जीवन ठार पूर्वजंक अलग न रहिले सेमानक भितरे अदरकारी प्रजनन घटिपे। यह नूतन जीव सृष्टि अनुकूल नुह तेणु यह रोक नूतन जीव सृष्टि अनुकूल तेणु यह रोक नूतन जीव सृष्टि को निश्चित करने प्रकृति में किसी व्यवस्था रही। अंतरण कौशल और कौशल जरिया संपृक्त जीव मानक अलग रखा प्रक्रिया को अंतरण कहुए। बुझीगला आधुनिक सांस्कृतिक तत्व अनुजाई जातिर उद्भवर उद्भवनर विभेदायन चयन अंतरणर महत्वपूर्ण अवदान रही। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा सात नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म कौन जीवाश्म अध्ययन कौन जाणी हम। देख बहुत सहज प्रश्न ना, डरबार कौन सी कारण ना। लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वे पृथ्वी में बास कर प्राणी और उद्भिदर अवशेष को जीवाश्म कहुए। मनीष हो प्राणी हूँ उद्भिद हूँ इमानकर मरी सारे जो अवशेष रही जाए सेटा को ही जीवाश्म कहुए। पृथ्वीर विभिन्न प्रांतर मिलता जीवाश्म को आधार कर प्राचीन युगर पृथ्वी और से समय वृक्षलता प्राणी मान संपर्क एक धारणा मिलता है। जीवाश्म अध्ययन वर्तमान देखा जा दुईट पृथक गोष्ठी मध्य संपर्क स्थापन करहुए। उदाहरण स्वरूप सरीसृप और विहंग यही दुई गोष्ठी प्राणी मान लक्ष्य कले देखा जे दुईक मध्य सामंजस्य अपेक्षा असमता अधिक अच्छी। मात्र आर्कियोप्टेरिक नामक प्राणीर जीवाश्म आविष्कार पर देखाला एभय सरीसृप और विहंगर लक्षण मान विद्यमान हो समस्त अध्ययन कर प्राणी विज्ञानी मैंने प्रमाण कले आज उष्म रक्तधारी चलचंचल नभश्चर विहंगर पूर्वज होीतल रक्त विशिष्ट मंथर और कम सक्रिय सरीसृप। मन रहा जीवाश्म कौन एवं जीवाश्म कौन अध्ययन करे स्टडी करे तो स्क्रीनशॉट नहीं पारे निजे प्रिपेरेसन करेंगे निज नोट खातार लिखिकी। प्रश्न आठ संक्षेप उत्तर दि यू आपण मैंने सबुतक स्क्रीनशॉट नि आठ नंबर बहुत सारा संक्षेप उत्तर देवाई क्वेश्चन अच्छे तो से गुड़ाक आप स्क्रीनशॉट नहीं कि निजे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर अच्छे जीवन प्राथमिक अणुगुड़िकर नाम लिख एटा स्क्रीनशॉट नहीं गल खु देख ख एवं ग स्क्रीनशॉट नहीं जा घटा स्क्रीनशॉट दौर आपको घ स्क्रीनशॉट नहीं जा। क्लियर अच्छी एवं चलतु नौ नंबर जो संक्षिप्त टिप्पणी अच्छी मेंडेलिंग को कृत्रिम संकरण पद्धति देन अच्छी समजात अंग पृथककरण नियम स्वाधीन अपव्यूहन नियम द्वि संकरण परीक्षण अनुरूपी अंग एथुरु देख ये क्वेश्चन टा डिस्कसन सरी एटा सरी एटा सरी एटा सरी तो ये दुईटा क्वेश्चन अच्छी तो आपण मैंने टोटाल नौ नंबर सबुतक स्क्रीनशॉट नहीं जाते है। प्रथम प्रश्न मेंडेलिंग को कृत्रिम संकरण पद्धति क्लियर अच्छी देन द्वितीय प्रश्न समजात अंग तृतीय प्रश्न पृथककरण नियम दे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्वाधीन अपव्यूहन नियम नेक्स्ट द्वि संकरण परीक्षण क्लियर हो गला। नौ नंबर सबुतक प्रश्न एवं दस नंबर प्रश्न को जीवा यू पुणी आलोचना करवा। दस नंबर प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर दि प्रथम प्रश्न कौन पचार दुई गोष्ठी प्राणी भितर आर्कियोप्टेरिक्स संजोग स्थापन करछि पूर्व ठीक ना ठीक लिखी था ये टिके मिस्टेक करके लिखी तो पढ़वे असुविधा होछि। आर्कियोप्टेरिक्स संजोग स्थापन करछि क्यों दुई गोष्ठी प्राणी भितर किसी समय पूर्व आलोचना करते गोटे हूँ सरीसृप गोटे विहंग मैंने सरीसृप मैंने जो साप भाया जोड़ा घुसुरी घुसुरी जाती विहंग मैंने जो पक्षी भाया उड़ती तो से भाई दुई गोष्ठी प्राणी भितर आर्जियोप्टेरिक्सिस संजोग स्थापन करुच्छे। क्लियर अच्छे लिखाई है सरीसृप और विहंग ये दुई गोष्ठी प्राणी भितर आर्जियोप्टेरिक्सिस संजोग स्थापन करुच्छे। द्वितीय प्रश्न कखारु गछर आकर्षी और बोगनभिलार कंटा भितर कि संपर्क रही पर उत्तर कौन लिखा यार उद्भिदर कखारु गछर आकर्षी और बोगनभिलार कंटा भिन्न कार्य करुले भिन्न कार्य करुले से उद्भव एकापरी हो समस्त मौलिक गठन शैली
सूक्ष्म गठन एवं भ्रूण विकासगत उद्भव तथा विकासक्रम समान अटे। यह दुईट जाक अंग समजात अंग अटे। परवर्ती प्रश्न को जीवा, पतंगर डेणा पारार डेणा बादुड़ीर डेणा भितर कि संपर्क रही? अंग गुड़िकर कार्य एक प्रकार मात्र से गुड़िकर मौलिक गठन शैली सूक्ष्म गठन भ्रूण विकासगत उद्भव तथा विकासक्रम अनेक पार्थक्य रही। उदाहरण स्वरूप मशार डेणा पारार डेणा और बादुड़ीर डेणा एगुड़िक अनुरूपी अंग अटंती। क्लियर है? परवर्ती प्रश्न, डार्विन को 1859 मसीह प्रकाशित बहिटर नाम लेख। यहाँ पूरा प्रथम रूम आलोचना कर द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो उत्तर लिखा 1859 मसीह डार्विन को द्वारा लिखित पुस्तक दि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इंग्लैंड प्रकाशित होता। मत कमेंट सेक्शन में पचार कहतु उत्तर यार लेखक किए अटंती। पूरा ना डार्विन को पूरा नामटा लिखिबो हैला। परवर्ती प्रश्न, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी रो प्रमुख कारक गुड़िक उल्लेख कर। तो देख मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी रो प्रमुख कारण गुड़िक होछि नवोद्भवन विभेदायन उद्भरण एवं अंतरण। परवर्ती प्रश्न को जीवा, बेले बेले एटा क्वेश्चन लॉन्ग आकार आसीबे चारटा जाक पॉइंट को बुझेकि लिखिबा। तो से अनुसार प्रिपेयर होइकि जीवो। 11 नंबर प्रश्न, गोटे शब्द रे उत्तर दियो। तो कौन प्रश्न पचारछि? प्रथम प्रश्न पचारछि मेंडेल तांकर वंशानुक्रम परीक्षा क्यों गछरे करथिले? अति सहज प्रश्न, मटर गछरे करथिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा, मेंडेल कर एक संकरण परीक्षा केतोटी विकल्प कारक को नहीं होइथिला? दुईटी। ठीक अछि, दुईटी। परवर्ती प्रश्न, गोटे शुद्ध डेंगा और शुद्ध गेड़ा गछ मध्ये कृत्रिम संकरण कर मेंडेल F1 पीढ़ी में क्यों गछ देखा पाइले? क्यों गछ? डेंगा गछ। डेंगा एवं शुद्ध डेंगा शुद्ध गेड़ा गछ नहीं कि जो कृत्रिम संकरण करते F1 पीढ़ी जो गछटा मिलता सेटा डेंगा गछ देखा मिलता। परवर्ती प्रश्न को जीवा, परवर्ती प्रश्न कौन कहि दुई संकरण पद्धति रे F2 पीढ़ी में केते प्रकार दृश्य रूप मिलता? केते प्रकार ना चारि प्रकार। परवर्ती प्रश्न, पतंगर डेणा पारार डेणा और बादुड़ीर डेणा कि प्रकार अंग अटंती अनुरूपी अंग अटंती? तो ये लिखा आम अनुरूपी है। तो ये 11 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर। एवं 12 नंबर प्रश्न को जीवा, कौन पचार एक F1 पीढ़ी डेगा गचर स्वरूपायण पर स्वपरायण पर F2 पीढ़ी में उपजी डेगा और गेड़ा गचर अनुपात ड्यास अटे केते हबो ना 3:1 हबो 3:1 हबो बुझिपारिल? परवर्ती प्रश्न, उद्भव गठन हाड़ विन्यास और विकास क्रम अनेक सामंजस्य लक्ष्य करा अंग गुड़िक ड्यास अंग कहुए समजात अंग कहुए। कौन कहुए? समजात अंग। जदि सामंजस्य माने समानता लक्ष्य कराऊ समजात अंग, भिन्नता अनुभव करूपी कह। परवर्ती प्रश्न, मनुष्य कोषरे ड्यास जोड़ा ऑटोजोम रही। मनुष्य कोषरे 22 जोड़ा ऑटोजोम रही। परवर्ती प्रश्न, मेंडेल कर दुई संकरण परीक्षण रे F2 पीढ़ी रे विभिन्न प्रकार आपत्य गुड़िक अनुपात होछि ड्यास ना 9:3:3:1? एटा 9 रे पिला माने हैला 2 भाबिबनी। आउ थरे भले लिखि दोछि आपण मानकर भूल न हो हैला। परवर्ती प्रश्न, ऑस्ट्रलोपिथेक्स ड्यास महादेश रे चलप्रचल करुथिले आफ्रिका है ना? तो ये थिला आपण मानकर 12 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर। 13 नंबर प्रश्न को जीवा, वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य रे लेख। तो देख, रामापिथेक्स आज को प्राय 20 वर्ष पूर्वे एशिया रे चलप्रचल करुथिले। एटा भूल हबो, जो अंडरलाइन हेछि एटा एशिया हबनी आफ्रिका हबो हैला, एठी लिखा है आफ्रिका। परवर्ती प्रश्न, आज कि 500,000 वर्ष पूर्वे आफ्रिका रे बास करथिबा सिबापेथिक्स निआर व्यवहार जानिथिले? भूल हबो, तर अंडरलाइन टर्मटा कौन चेंज हबो? होमोसेपियंस निआर व्यवहार करथिले। होमोसेपियंस माने कौन? मनीष प्रजाति, जो बण मनीष थिले बा मनीष प्रजाति थिले सेई माने ही निआर प्रचलन करथिले। परवर्ती प्रश्न, मेरुदंडिंक ठारे भ्रूणावस्था रे मेरुदंड स्थान रे एहार पूर्वावस्था गालिछेद रही थाए। भूल हबो पिला माने, गालिछेद नुह नोटोकॉर्ड रही थाए। कौन रही थाए? नोटोकॉर्ड। मनीष बृहदंत्र रे थिबा अपेंडिक्स अनुरूपी अंगर एक उदाहरण अटे। भूल हबो पिला माने, अवशेषांग अंगर एक उदाहरण अटे। अनुरूपी हबनी, अवशेषांग अंगर एक उदाहरण अटे। नेक्स्ट, डायनोसर माने सिनोजोइक
महाजुगरे पृथ्वी रे राजुति करुथिले तो सिनोजोइक हबनी एटा हबो मेसोजोइक डायनासोर माने मेसोजोइक महाजुगरे पृथ्वी रे राजुति करुथिले। परवर्ती प्रश्न 14 नंबर प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखी तृतीय सह संपर्कित शब्दटी कौन हेबो लेख मेंडेल का एक संकरणर परीक्षण 3:1 ताले मेंडेल का द्वि संकरणर परीक्षण 9:3:3:1 एटा मन रख एटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुची बहुत थर है मन रखिबो। परवर्ती प्रश्न शुद्ध डेंगा कैपिटाल टी तो शुद्ध गेड़ा स्मॉल टी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले कही सारी बादुड़ीर डेणा मणिषर हाथ समजात अंग पतंगर डेणा बादुड़ीर डेणा एमाने अनुरूपी अंग है। परवर्ती प्रश्न पृष्ठरज्जु मेरुदंड गाली छिद्र फुसफुस घर उत्तर हम फुसफुस मुहर उत्तर रामापिथेक्स आफ्रिका सिवापिथेक्स एशिया हाँ कि नहीं तो टोटल आपण मानकर जो 1 नंबर रु 14 नंबर प्रश्न गुड़िक थिला जहाँ कि बहीर अभ्यास प्रश्न उत्तर थिला सबतक क्वेश्चन आंसर आलोचना कर देछि। जदि वीडियो भल लागिछि प्लीज वीडियो को लाइक करिवे कमेंट करिकि जणैबे एवं निजे सब सांग मानन सते वीडियो को शेयर करिवे। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना थी सब्सक्राइब करनियो पाखरे बेल आइकन आसीबे एको क्लिक करिकि ऑल नोटिफिकेशन बटन ने क्लिक कर दियो जहाँ फल प्रत्येक नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइ परबो। टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप रो लिंक आपण मानको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिलि जइबो सेठी जॉइन करि परबे। चलंतु देखा हबो परवर्ती वीडियो रे। थैंक यू सो मच पिल माने।